साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज घर हर किसी को अच्छा लगता है, और साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज घर को रखने के लिए भी हमें कुछ टिप्स की जरूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको काफी पसंद आने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशा और स्वागत है आप सभी का कर्तिशा किचन में। सो फ्रेंड, चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जल्दी से भी अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले टिप दोस्तों मेरी यहाँ पे है किचन सिंक को लेकर। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारी जो किचन सिंक है इसमें वाटर के स्टेन बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं, जिससे जो हमारी किचन सिंक है वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वाटर के स्टेन छूट चुके हैं। हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खारा पानी आता है, जिससे जो हमारी किचन सिंक है बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है और इसमें पानी के निशान नज़र आने लगते हैं। तो आज मैं अपनी किचन सिंक को साफ़ करने वाली हूँ यहाँ पर विनेगर से। तो अगर आपके किचन सिंक में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर वाटर के स्टेन छूट जाते हैं, तो आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर इसमें डाल दीजिए। ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा ही डालना है, और कम से कम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है विनेगर डालने के बाद, और 5 मिनट के बाद हम इसको साफ़ करेंगे। तो चलिए फिर, 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर इसको साफ़ करने वाली हूँ न्यूज़पेपर से। हमने क्या करना है कि कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े लेना है और इसको हमने थोड़े पीसेस कर देने हैं, और इसके बाद हम इसको साफ़ करेंगे अपनी किचन सिंक को। आपने दोस्तों न्यूज़पेपर के तो काफ़ी फ़ायदे सुने ही होंगे कि न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छी क्लीनिंग का काम करता है, और सारी बैड स्मेल हो या अगर आपके शीशे हो तो उसको चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि न्यूज़पेपर से सारे सिंक को अच्छे से रगड़ देना है, और इसके बाद हमने साफ़ पानी से अपनी किचन सिंक को धो देना है। और आप देखेंगे जो आपकी किचन सिंक है, जितने भी वाटर के स्टेन है ना, वो बिल्कुल छूट जाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि आपकी जो किचन सिंक है ना, ये बिल्कुल चमक सी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ और रिजल्ट आपके सामने ही है, बिल्कुल चमक सी गई है हमारी किचन सिंक। तो आई होप दोस्तों ये वाली जो टिप है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, और यकीन मानिए आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। तो चलिए फिर दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास अक्सर क्या होता है कि ये वॉशिंग पाउडर के जो पैकेट होते हैं, इसको यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन इस न्यूज़पेपर के पैकेट से हम बहुत सारे DIY भी बना सकते हैं। तो आज एक ऐसा ही DIY आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो वॉशिंग पाउडर का पैकेट है इसके ऊपर के पार्ट को हमने काट देना है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप इसका यूज़ करें तो पहले आप इसे वॉश करके सुखा लीजिए, उसके बाद ही इसका यूज़ करिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने इसको धो के सुखा लिया है, और यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है, और नीचे से हमने 4 फिंगर का गैप देना है, और इस तरीके से हमने इसको अंदर की साइड से इसको फोल्ड। अगर फ्रेंड्स आपको ये सारी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप को भी देख लेते हैं। दोस्तों अक्सर जब भी हम खाना बना लेते हैं तो रात को हम अपने गैस स्टोव और काउंटर टॉप को साफ़ करके ही सोना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके किचन में कॉकरोच आने के।
तो इसलिए एक हैबिट बना लीजिए कि रात को हमेशा आप अपने गैस स्टोव और काउंटरटॉप को साफ करके ही सोएं। इससे दोस्तों आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो जब आप उठेंगे और अपने किचन को नीट एंड क्लीन देखेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी और आप फुल एनर्जी के साथ अपना काम कर पाएंगे। और दूसरा, आपको कहीं अगर जाना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई देरी भी नहीं होगी और आप इजिली अपना काम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आशा करती हूँ आज की सारी यूजफुल टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की यूजफुल टिप्स मैं अपने चैनल पर लाती ही रहती हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक लिए टेक केयर एंड खुश रहिए।